दर्द यूं दिल से लगा हूं जैसे, दर्द यूं दिल से बहुत उदास है, दिल बहुत उदास है। दिल में मेरे नाले दिल से नहीं निकल बदले हजार, एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, देख लिया कुछ नहीं मिला दुनिया में हमको हम। आप से मुझे छोड़ के जाने जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जाना, भीगे हुए आँखों का काजल जुल्फों का बरा बादल। मोहम्मद अली पाकिस्तान के एक इंतहाई वर्सटाइल अदाकार, वो फिल्मों में तारीखी सवानही और हुबुल वतनी के किरदार अदा किया करते थे। उन्होंने 250 से ज़ायद फिल्मों में हीरो और विलन के किरदार अदा किए। वहीद मुराद और नदीम के साथ साथ वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के अदाकारों में से एक रहे। वो शहनशाह जज्बात के नाम से मशहूर थे। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज चिराग जलता रहे 1962 से किया और इस फिल्म में अदाकारी के लिए सिल्वर स्क्रीन अवार्ड जीता। 60 की दहाई में उन्होंने हमोश राव 1964 में काम किया और इस फिल्म में बेहतरीन मावन अदाकार के लिए निगार अवार्ड जीता। फिर हज़ार दास्तान 1965, कनीज 1965 जैसी एक्शन फिल्मों में अदाकारी की और बेहतरीन अदाकार के तौर पर फिर से निगार अवार्ड जीता। 1966 में एक और रोमानवी एक्शन मूवी आग का दरिया में काम किया। इंसान और आदमी 1970 जिसमें बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड जीता। वैशी 1971 एक बार फिर से सुपर परफॉर्मेंस निगार अवार्ड जीता। अफसाने ज़िंदगी का और मेरे हमसफ़र 1972, आस 1973, 1974 की सुपर हिट फिल्म जैसे तुम सलामत रहो में भी मोहम्मद अली ने काम किया। भीगे हुए आँखों का काजल जुल्फों का बरा बादल। मोहम्मद अली ने 1956 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद स्टेशन में बतौर ब्रॉडकास्टर शमूलियत इख्तियार की, जहां उनके बड़े भाई इरशाद पहले ही ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। मोहम्मद अली की इब्तदाई उजरत 10 रुपये फी ड्रामा मुकरर की गई थी। कुछ अरसा बाद वो बहावलपुर स्टेशन चले गए और आखिरकार रेडियो पाकिस्तान कराची आ गए। जुल्फकार अली बुखारी डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान अदाकारी के लिए उनके सरपरस्त बने। मोहम्मद अली इनका जिक्र अपने रूहानी बाप के तौर पर किया करते थे। बाद में उन्होंने अली का तारुफ अपने दोस्त शायर और फिल्म प्रोड्यूसर फजल अहमद करीम फजली से कराया, जिन्होंने इन्हें अपनी नई फिल्म चिराग जलता रहे के लिए हीरो का किरदार अदा करने की पेशकश की। लेकिन अली ने हीरो का किरदार अदा करने की बजाय फिल्म में विलन का किरदार कबूल किया। अली के अलावा ज़ेबा दीबा कमाल ईरानी और हदायतकार फजली की भी ये पहली फिल्म थी। ये वाहिद पाकिस्तानी फिल्म थी जिसमें भारतीय गुलूकार तलत महमूद ने बतौर गुलूकार अपनी खिदमात पेश की। चिराग जलता रहे का प्रीमियर फातिमा जनान ने 9 मार्च 1962 को निशाद सिनेमा कराची में किया। इसके बाद वो हदायतकार मुनव्वर रशीद की फिल्म बहादुर, हदायतकार इकबाल यूसुफ की फिल्म दाल में काला और हदायतकार जवेद हाशमी की फिल्म दिल ने तुझे मान लिया में बतौर विलन नजर आए। बतौर हीरो इनकी पहली फिल्म मिस्टर एक्स थी, लेकिन फिल्म शरारत इससे पहले 1963 में रिलीज हुई थी। बाद अजाम और लाहौर चले गए और फिल्म खानदान 1964 में काम किया। उन्हें हमोश राव 1964 से ब्रेक थ्रू मिला। मोहम्मद अली की पहली रंगीन फिल्म 1967 में जान पहचान थी। उनकी पहली गेस्ट अपीयरेंस मूवी 1963 में बाजी थी। पहली डबल रोल फिल्म 1964 में खानदान थी। उनकी पहली करेक्टर रोल फिल्म गजर 1965 में रिलीज हुई। मोहम्मद अली की पहली सिल्वर जुबली फिल्म चिराग जलता रहा 1962 थी। उनकी पहली गोल्डन जुबली फिल्म कनीज 1965 थी। उनकी पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म दिल और दुनिया 1971 थी और उनकी पहली डायमंड जुबली फिल्म बॉबी 1984 थी। मोहम्मद अली की पहली गैर मुल्की रिलीज फिल्म मिस्टर एक्स थी, जो कि 1963 में रिलीज की गई थी। मोहम्मद अली और उनकी अहलिया ज़ेबा अली ज़े पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक आइडियल जोड़ा था। उन्होंने 70 फिल्मों में एक साथ काम किया। ज़ेबा अपने शोहर मोहम्मद अली की हीरोइन थी। वो पहले अदाकार थे जिनके मदाओं ने 1967 में घोटकी सिंध में स्वीट एंड ग्रेट मोहम्मद अली फेडरेशन के उनवान से फैन क्लब बनाया, जिसके चेयरमैन मोहम्मद इकराम थे। फिल्म फेडरेशन से रिटायरमेंट के बावजूद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनके 34 सालों के तावन पर मिलीनियम स्टार मोहम्मद अली के नाम से किताब शाया हुई। जिंदगी
अकेले थे हम। मोहम्मद अली की कुल 268 फिल्में थीं, जिनमें से 251 उर्दू, 15 पंजाबी, 8 पश्तो, 2 डबल वर्जन, 1 हिंदी और 1 बंगाली शामिल है। उनकी बतौर मेहमान 28 फिल्में थीं और एक दस्तावेजी फिल्म जिसका नाम अल्लाह अकबर था। उनकी 128 सिल्वर जुबली फिल्में, 54 गोल्डन जुबली मूवीज, 8 प्लैटिनम जुबली फिल्में और 1 डायमंड जुबली फिल्म थी। फिल्म तुम मिले प्यार मिला के सेट पर मोहम्मद अली की मुलाकात अदाकारा ज़ेबा से हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग की दौरान 29 सितंबर 1966 को इन्होंने शादी कर ली। मोहम्मद अली और ज़ेबा ने 1990 की दहाई में अली ज़ेब फाउंडेशन की बुनियाद रखी ताकि शदीद बीमार खास तौर पर कैंसर में मुबतला अफराद की मदद की जा सके। सरगोधा और फैसलाबाद में अली ज़ेब फाउंडेशन के नाम से अस्पताल बनाए गए। उन्होंने मजमूई तौर पर 10 निगार अवार्ड जीते। दीगर अवार्ड्स में कनीज 1965, आग का दरिया 1966, वैशी 1971, आस 1973, आईना और सूरत 1974, इंसान और आदमी 1975 और हैदर अली 1978 शामिल हैं। मोहम्मद अली वाहिद अदाकार थे जिन्होंने अपने कैरियर की पहली दिहाई में 6 बेहतरीन अदाकार निगार अवार्ड जीते। साबिक सदर ज़ियाउल्लाह ने 1984 में मोहम्मद अली को पाकिस्तान की तफरीही सनत के लिए उनकी ताहयात खिदमात के एतराब में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। मोहम्मद अली ये एजाज हासिल करने वाले पहले फिल्मी अदाकार हैं और ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। मोहम्मद अली को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। मोहम्मद अली को कई खसूसी एजाजात से नवाजा गया जैसे मिलीनियम लेजेंड स्टार ग्रेजुएट अवार्ड 2000, सुपर परफॉर्मेंस निगार अवार्ड 1984, इलियास रशीदी गोल्ड मेडल 1998, निगार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1998, निगार मिलीनियम अवार्ड 2000, लाइफ टाइम एक्सीलेंसी अवार्ड 1997, बेहतरीन पाकिस्तान अवार्ड 1997। उन्होंने बुलान अवार्ड, स्क्रीन लाइफ अवार्ड, नेशनल अकेडमी अवार्ड, क्रिटिक्स अवार्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी से सकाफती अवार्ड, एशियन अकेडमी अवार्ड और बहुत से दीगर अवार्ड भी हासिल किए। उन्हें दुबई में 1984 में पहला गैर मुल्की अवार्ड नसर अवार्ड मिला। उन्हें हिंदुस्तान के नौशाद अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद जब मोहम्मद अली से एक टेलीविजन प्रोग्राम में फिल्मों से लातल्की के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं जिस माहौल में फिल्मों के लिए काम करने का आदी था वो फिल्में बनाने का तरीका बिल्कुल बदल गया है, इसलिए मैंने फिल्मों को छोड़ दिया। मोहम्मद अली 19 मार्च 2007 को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। दिल मेरे मेरे वाले दिल से नहीं निकल बदले हजार एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल देख लिया कुछ नहीं मिला दुनिया में हमको हम मेरे दिल को खिलौना जाना भीगे हुए आँखों का काजल जुल्फों का आवारा बादल।